देखिए, की तरह एक तरह से शासन हुआ। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से जितने भी इंस्टीट्यूशन थे देश को, जो एक किसी देश को आजाद और लोकतांत्रिक देश बनाते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन, जैसे प्रीमियर एजेंसी सीबीआई, ईडी, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इन सभी इंस्टीट्यूशंस को बड़ा घात पड़ा है और इनकी इंडिपेंडेंस जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हुई है। तो बहुत सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ये बात कह रहे हैं कि अगर ये लोग दोबारा चुन के आएंगे तो भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, चुनाव लड़के सत्ता पाने वाली जो व्यवस्था है, हो सकता है वो व्यवस्था जो है उस पर बड़ा आघात हो। एक दूसरा मुद्दा है, हेमंत सोरेन से ईडी की टीम रही, उसके बाद खबर आई कि ईडी के सूत्रों के हवाले से कि हेमंत सोरेन गायब है, नहीं मिल रहे। बीजेपी ने उसके बाद कई आरोप लगाया, बीजेपी की तरफ से कहा गया कि अपनी पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं, उनकी बीएमडब्ल्यू कार जब्त की गई उनके दिल्ली आवास से। मुझे ऐसा लगता है कि ये मामला हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने का नहीं, उनकी सरकार गिराने का मामला है और हेमंत सोरेन भी ये बात जानते हैं, इसलिए उनकी पहली प्राथमिकता यह है कि किस तरीके से राज्य के अंदर सरकार, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार है, उसको बचाया जाए। आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इस तरह से अपनी जवाब देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 31 तारीख की, देखिए उनकी दो जिम्मेदारियां हैं, पहली कि जिस राज्य ने उनको सरकार के लिए चुना है वो सरकार चले, और अगर वो जेल जाते हैं उसके बावजूद भी चले, उसके लिए उनको इंतजाम करने हैं। दूसरा, ईडी के सामने भी जाना है, जो एक राजनीतिक मामला है। ईडी के सामने जाएंगे मगर ऐसा नहीं है कि वो अपनी सरकार गिरवा दें, सरकार को भारतीय जनता पार्टी के हवाले कर दें, ये भी नहीं करना चाहिए।